पाएंगे कि आपकी बेसिक मांग क्या है जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे? हमारी मूल मांग ये है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 2011 से 2015 के बीच जो भाषाई भ्रष्टाचार हुआ है, जो भाषाई संबंधी गलतियाँ हुई हैं, हिंदी अनुवाद संबंधी गलतियाँ हुई हैं, एग्जाम एथिक्स का उल्लंघन हुआ है, उसके कारण हम हिंदी भाषी एवं अन्य तमाम क्षेत्रीय भाषाओं के विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए एवं हमारे सीमित प्रयास व्यर्थ चले गए। उन्हीं सीमित प्रयासों के लिए हम पिछले उन्हीं सीमित प्रयासों की क्षतिपूर्ति के लिए हम पिछले 8 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और हमारी भूख हड़ताल को मोबाइल हंगर स्ट्राइक में बदल दिया गया। हमारे साथ फुटबॉल की तरह व्यवहार किया जा रहा है। कभी हमें रात को 2:30 बजे बत्रा में हमारे ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, जम्मू कश्मीर में पैलेट गल का इस्तेमाल और दिल्ली में इस कपकपाती ठंड में वाटर कैनन का इस्तेमाल, दोनों बराबर है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जब हम संवैधानिक नीति सार को अनुपालन करते हुए गांधी के इस देश में साध्य साधन के पवित्रता के साथ जब हम एक लोकतांत्रिक आंदोलन चला रहे हैं तो सरकार हमारी मांगों को सुने और हमें एक जो हंगर स्ट्राइक के लिए जो प्रॉपर प्लेस होता है, जो हमारा राइट्स है, उसको वैल्यू राइट्स मिले हमें और हमें कंपनसेटरी अटेम्प्ट्स की घोषणा तत्काल प्रभाव से की जाए। पिछले 8 दिनों से जैसे बताया कि छात्र वहां पे बैठे हुए हैं, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किन किन दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा, क्या कोई एडमिनिस्ट्रेशन से आपसे बात करने आया, कोई सरकारी विभाग से कोई बंदा आया, गवर्नमेंट से कोई बंदा आया आपसे बात करें? सबसे बड़ी बात बता दूं, सरकार द्वारा गठित निगेविकर कमेटी ने भी माना और यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट जो आती है हर साल उसने माना कि लगातार ग्रामीण पृष्ठभूमि और ये हिंदी भाषी लैंग्वेज का रिजल्ट लगातार गिरता जा रहा है। जहां पहले 2010 तक लगभग 50% सिलेक्शन होता था, आज घट करके लगभग 2% पे आ गया है। सरकार के डीओपीटी मंत्री या सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है जो इस पूरे अनसन को नहीं उनके पास नहीं आ पा रही है, ना तो छात्रों के पास कोई पूछने आए, ना तो क्षेत्रीय सांसद आए, ना मंत्री जी आए। ये सबसे बड़ा दुखद, और जहां भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है, आज युवाओं के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है, बहुत शोचनीय और दुखद है, पीड़ादायक है। आने वाले में जैसे युवा हल्ला बोल के फ्रेंड ने बताया कि यूथ समिट होने वाला है, कहीं ना कहीं अपनी आप मांगे सामने लेके आएंगे और लगता है कि बड़े पैमाने पे जब ये होगा तो असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। युवा हल्ला बोल के बैनर तले राष्ट्र का युवा एकीकृत हो रहा है। जैसे अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि आधुनिक सरदार वल्लभ भाई पटेल है अनुपम भाई, युवाओं के एकीकरण का वो कार्य कर रहे हैं। हम यूपीएससी के अभ्यर्थी भी युवा हल्ला बोल के बैनर तले आएंगे और हमारी मांग पूरी नहीं हुई हम हजारों की संख्या में जुटेंगे और हमारा एक ही नारा है, युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, हिंदी भाषा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। तत्काल हमारी एक ही मांग है, सरकार तत्काल प्रभाव से हमें कंपनसेटरी अटेम्प्ट्स दें, प्लस हमारे जो साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनके साथ संवैधानिक व्यवहार किया जाए, उनके साथ असंवैधानिक आचरण न किया जाए। ठीक, थैंक यू सो मच।